कोर तुम्हें मिल जाएगी, ये कोर तुम्हें इतने वहां से ली है, तो दवाई शवाई इसकी बनानी है, उन्होंने क्या करना है ये मालूम नहीं, दवाई का की पता होगा किस तरह मंगवानी है। ये कोर तुम्हें होता है कड़ और पिता भी इसको कहते हैं, कड़ और पिता, तो ये बहुत मजबूर है इनके। हाँ पानी का मसला है, पानी का इशू, तो अगर आप में से कोई जान भाई इनको हैंडपम्प का इंतजाम कर दे तो उसकी मेहरबानी होगी, और ताकि इसके लिए आसानी हो जाए। बाकी दूसरा हम और दस की कोई एमरजेंसी खिदमत नहीं कर सकते, लेकिन ये कि कुछ इनके बच्चों के लिए राशन का इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि महंगाई ने इतना तूफान गर्म क्या हुआ है, मचाया हुआ है कि तबाही तबाही है। यकीन है कि सफेद पोश आदमी की कमर टूट चुकी है, सफेद पोश आदमी की कमर टूट चुकी है। बेगम को मैं कहूँगा कि जो 5,000 रुपये हैं इस बाजी को दे रहे, मैंने कहा अगर कुछ आप बोलेंगी तो कह रही कि मैं नहीं बोलूँगी, आपने खुद ही बात करनी जो भी है, और इनके हालात हम जानते हैं, और इनके हालात ये दे रहे हैं। बेगम आप खुश हो, दुआ करनी है उनके लिए, दुआ फरमाए, और हैंडपम्प का इंतजाम करने बैंक के लिए हो सके तो रुकता हूँ पीने का, और नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, आपकी मदद बैंक तक इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानियता फरमाए, और आपकी तमाम तमन्ना आरज़ू जराइचे पूरी करे, अल्लाह आसानियता फरमाए, खुशियाँ दे, सलामती दे, और किसी का मोहताज न करे। बेगम रोटियाँ लगा रही है माशाल्लाह तंदूरी टाइम से, और आज जो है जो सालन बनाया बड़ा VIP माशाल्लाह ज़बरदस्त, कम खर्चे में बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, कम खर्चे में बहुत अच्छी चीज़, और ये मुर्गियाँ भी तंग करती हैं साथ साथ, ये देख रहे हैं ये मुर्गियाँ हुई हैं, इनको सेट भी करते हैं इंशाल्लाह। तंदूरी रोटियाँ क्या बात है जी, VIP तंदूरी रोटियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब ज़बरदस्त रोटियां बनाते बनाते चेहरे पे पसीना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पसीना है, अल्लाह खैर करेगा, खुश हो राजी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तंदूरी रोटियां रही इसमें से पक रही हैं, ठीक है जी, ये कुछ लग चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये लकड़ियां थी गरम अपना कांटे वाली कंडे वाली कंडे वाली लकड़ियाँ। आप हमारी वीडियो देख रहे थे, इसमें देखा कि आपने हमारे घर में एक बहन आई थी, उसकी हमने हेल्प की, हमारे पास अमानत थी वो से दे दी, और देखें कि कहने का मकसद आपसे ये था, हम खुद गर्द नहीं है, खुद गर्द होते तो किसी ज़रूरतमंद किसी चहल की वीडियो ना बनाते। अब मैंने काम को छोड़ा हुआ है, दरअसल काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 3-4 माह 4-1 माह हो चुके हैं काम को छोड़ा हुआ है, इस दौरान फिर भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम किया, फिर भी हमने कैमरा ऑफ कैमरा भी काम किया है, कैमरे के सामने भी, और इस वक्त सूरत जो दरिया की है वो बहुत अपना संगीन सूरत हाल है, यानी कि वहाँ के जो बासी हैं बहुत परेशान हैं, और कुछ लोग अपने साजो सामान उठा के महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, उन लोगों को एमरजेंसी तौर पर राशन का और इसके अलावा ईंधन और ख़ास तौर पर जानवरों का चारे का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, बहुत मुश्किल में है वो लोग, अल्लाह ताला उनके लिए सानिता फरमाए। आप लोगों ने ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहते हैं तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं हमारे थ्रू, आपको इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी, आप फ़ख्र करेंगे कि हम सही हकदारों तक माल आपका पहुँचा देंगे। मैंने अपने चैनल के तवासुफ से कमो पेश अब तक जो है ना 400 से ज़्यादा खानदानों की मैंने हेल्प की है, और ये देख लें कि मैं खुद गर्द होता तो मैं पहले बता चुका हूँ किसी ज़रूरतमंद किसी सेल की वीडियो ना बनाता, बकदा तलाश किया घर घर जाके कि क्या आया ज़कात उशर सदक़े के हकदार कौन है, तलाश करके फिर उन लोगों के हालात आपसे शेयर किए, जिसमें मैंने कुछ ख़ानदानों को वाशरूम रूम और हैंडपम्प रोज़गार उसके अलावा और भी बहुत सारी सहूलतें फराम की हैं। मेरे कहने की बातों को छोड़े आप वीडियो पर भी देख सकते हैं कि जिन लोगों की मैंने हेल्प की है, खुद ज़रूरतमंद होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे लोगों की सपोर्ट की है, और अल्लाह का शुक्र, बहरहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।